So in ethics, the topic is ethics and human interface, means Niti Shastra evam Manviya Sambandh. Determinants of ethics in human actions. Niti Shastra ke jo nirdharak hote hai manviya karyavahi mein, unke bare mein bataya. The actions performed by the human beings cannot be genuinely called as human actions. तो जो भी एक्शन मानव जाति के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें सारे जो एक्शन है उन्हें हम उन सभी को हम मानव के द्वारा किए हुए कार्य नहीं कह सकते. इफ़ एनी ऑफ द एफोरसेड कंडीशन, जैसे कुछ प्रीवियसली कंडीशंस बताई गई थी प्रीवियसली मेंशन, जैसे इग्नोरेंस था मतलब अज्ञान होना, पैशन शौक या जुनून, और वॉयलेंस है आई मीन्स हिंसा है, तो आर प्रेजेंट द एक्शन इज नॉट ह्यूमन and hence cannot be subjected to scrutiny in ethics. In aforesaid conditions के कारण उन actions को हम मानव के द्वारा किए हुए actions नहीं कह सकते. ये जो इस प्रकार के action है वो analysis का मुद्दा नहीं है ethics के अंदर में. However, when there is a reason or knowledge involved, when the acts are voluntary, it can be determined whether a given ह्यूमन एक्ट इज़ गुड और बैड. लेकिन जब कभी हमने देखा है कि कुछ किसी भी एक्शन के पीछे कोई कारण होता है, कोई रीज़न होता है, या फिर हमें उसका ज्ञान होता है, तो फिर वो एक्शन जो है वो हमारे स्वेच्छा से किया हुआ होता है, तब हम एथिक्स के नज़रिए से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो जो ह्यूमन एक्ट था वो सही था या गलत था. एज़ पर मोरल थियोलॉजियंस देर आर सर्टेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मोरल क्वालिटी ऑफ अवर एक्शंस दीज आर. अगर हम नैतिक धर्मशास्त्रियों के राय के अनुसार ऐसे कुछ निर्धारक है नैतिक गुणों के हमारे एक्शंस में, जैसे नेचर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट. वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ जजिंग द मोरलिटी गुडनेस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स इज इट्स ऑब्जेक्ट नेचर. तो एक तरीका है कि कैसे हम न्याय कर सके नैतिकता और अच्छाई में, मानव के द्वारा जो कार्य किया गया या कार्रवाई की गई उसमें नैतिकता या अच्छाई न्याय करने के लिए उस एक्शन का स्वभाव कैसा है या फिर उस एक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है. एवरी एक्शन हैज़ अ पर्टिकुलर नेचर एसेंस डैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर एक्शन. तो हर एक्शन का एक पर्टिकुलर बेस होता है, एक प्रकृति होती है, जिसके आधार पर हम उस एक्शन को दूसरे एक्शन से अलग कर सकते हैं. एंड एक्ट दस स्पेसिफाइड मे व्हेन कंसीडर्ड इन इट्सेल्फ बी गुड बैड और इनडिफरेंट. इन सारे एक्शंस को अलग कैटेगरी में डिफर कर सकते हैं, जैसे वो एक्शन खुद के लिए कैसा था, या अच्छा था या बुरा था या न्यूट्रल था, निष्पक्ष था. दस हेल्पिंग अ ब्लाइंड पर्सन अक्रॉस द स्ट्रीट इज अ गुड एक्ट इन इट सेल्फ. तो एक अंधे व्यक्ति को रास्ता पार करवाना है तो वो एक उसकी मदद कर रहे हैं उसमें रास्ता पार करने में, तो वो एक अच्छा कार्य माना जाएगा, अपने आप में अच्छा कार्य माना जाएगा. टू ब्लैस्फेमी इज बैड इन इट सेल्फ. अब ब्लैस्फेमी है मतलब ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना, तो ये अपने आप में एक गलत माना जाता है समाज के तौर पर. एंड लर्निंग टू शूट इज़ इन इट सेल्फ इन एन इनडिफरेंट एक्ट. तो अगर हम बंदूक चलाना सीख रहे हैं, शूटिंग करना सीख रहे हैं, तो हम किसी को मार तो नहीं रहे, तो हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं उसको, तो उस वक्त वो एक्ट जो है वो न्यूट्रल हो गया. ना कि हम अच्छा बोल सकते ना कि बुरा बोल सकते, एक निष्पक्ष वाला हम उसको निष्पक्ष की कैटेगरी में डाल सकते हैं. However, there are certain types of acts that are called intrinsically evil, immortal by its very nature. तो कुछ प्रकार कुछ ऐसे acts होते हैं, कुछ types होते हैं acts के जो आंतरिक रूप से ही बुरे होते हैं, अनैतिक होते हैं, उनकी प्रकृति ही वैसी होती है. That is by its inherent moral meaning. तो उसकी जो प्रकृति में जो नैतिक अर्थ है वही उसी से समझ में आता है कि वो एक बुरा act है. An intrinsically evil act is an act that is always bad. आंतरिक रूप से वो जो बुरा act है वो हमेशा से ही गलत कार्य ही माना जाएगा, and always sinful. और हमेशा उसे गुनहगार की कैटेगरी में ही डाला जाएगा. It is never good, never appropriate and never useful irrespective of the ulterior intentions of the one acting and the circumstances. तो वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी अपनाया नहीं जा सकता,
कभी भी हम उस कार्य वैसे कार्य को हम उपयोग में नहीं ला सकते, भले ही उसके उस कार्य के क्या गुप्त इरादे हो, कैसा उस वक्त माहौल या सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है। रीजंस ऑल्सो अटेस्ट दैट सम ऑफ द ह्यूमन एक्ट्स बाय देयर वेरी नेचर आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग गुड। किसी भी मानवीय एक्ट के पीछे कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी प्रकृति, जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो अच्छा हो ही नहीं सकते किसी भी एंगल से, बिकॉज दे रेडिकली कॉन्ट्राडिक्ट द नोशन ऑफ द गुड। बेसिकली वो मूल रूप से ही अच्छाई की धारणा के विरुद्ध होते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि रेप, जैसे बलात्कार है, मर्डर, हत्या ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस, मासूम बच्चों की, और ब्लेसफेमी मतलब ईश निंदा, ईश्वर की निंदा जिसमें मौत की सजा सुनाई दी जाती है। मीनवाइल देर आर सम स्पेसिफिक एक्ट सच एज एबॉर्शन, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च, सेम सेक्स मैरिज, इथुनेशिया एक्सेट्रा। तो कुछ ऐसी और एक्ट्स है जैसे कि गर्भपात है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च है जिसमें कि हम नए ऑर्गन फिर से बना सकते हैं, सेम सेक्स मैरिज है जैसे जो गे मैरिज है, इथुनेशिया डेथ की विश की जाती है। डेट आर कंसिडर्ड इंट्रेंसिकली इमोरल एज पर मोरल कोड्स ऑफ सर्टेन सोसाइटीज एंड रिलीजन। तो ये जो सारे एक्ट्स है वो आंतरिक रूप से अनैतिक समझे जाते हैं एक समाज या एक धर्म के आधार पर, नैतिक मापदंड पर। इवन दो इंटेंशंस में समटाइम्स गुड एंड सर्कमस्टेंसेस फ्रिक्वेंटली डिफिकल्ट, इन कार्यों करने से ये जो एक्ट्स है इनमें कभी कभी इरादे अच्छे होते हैं, जो कंडीशन होती है, जो एनवायरनमेंट होता है उस वक्त, वो बहुत ही कठिन समय होता है। दिस एक्ट्स आर कंसिडर्ड नॉन निगोशिएबल एंड हैंस पनिशेबल बाय सच सोसाइटी। तो ये जो एक्ट है ये उन समाज की प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं सीधे सीधे, इसलिए समाज के द्वारा ऐसे एक्ट वो आपराधिक श्रेणी में आते हैं। However, such instance of judging morally of an act as evil or sinful prior to consideration of the circumstances and intentions might be questionable, debatable or even invalid in some other societies. तो ऐसे acts को नैतिक रूप से न्याय करने के लिए उन situation पर ध्यान देना पड़ता है जो या तो बुरी है या फिर अपराध की श्रेणी में आती है, और जो इरादे हैं इस एक्ट को करने से पहले वो उस पर सवालिया निशान है, और ये एक वाद विवाद का विषय है और जो कि कई समाज में प्रतिबंधित है। इंटेंशन पर्पस ऑफ द एक्शन, एक्शन में भी आइदर गुड और बैड, तो जो एक्शन है वो या तो गलत हो सकता है या फिर सही हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वाई वी डू देम। तो हम वो कर क्यों रहे हैं, उसके इंटेंशन क्या है, उसके पीछे इरादे क्या है। According to Aristotle and theological theorist, every human action, no matter how trivial, has some purpose, motive, intention behind it. अगर हम एरिस्टोटल और सिद्धांतवादियों की देखें, उनके हिसाब से हर जो मानवीय कार्रवाई है, भले वो कितना भी तुच्छ कैटेगरी का हो, उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण, कोई मोटिवेशन, कोई इरादा जरूर रहता है। A person has the moral responsibility of all such actions, deliberate or omissions, doing or withholding from an action. तो जो व्यक्ति होता है उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है इन सभी actions को जो वो करता है, जिसमें जो विचार करना है, neglect करना है, action को करना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए, trying or attempting to bring about a certain result that involves agent's foresight, cause, desire or motivation. कोशिश की जाती है कि उससे कोई परिणाम निकल कर आए, और इसमें जो कर्ता होता है उसकी दूरदृष्टि होती है कि इस कार्य से करने से मुझे क्या परिणाम मिलेगा, और इसके पीछे क्या कारण रहा है, क्या इच्छाएं रही है, और कहाँ से प्रोत्साहन मिला है इस कार्य को करने। Therefore, the intention of the person in action is an element essential to the moral evolution of an action. जो इरादे होते हैं किसी व्यक्ति के उस एक्शन को करने के लिए, वो एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है उस एक्शन का अगर नैतिक मूल्यांकन करने के लिए। The manner in which purpose intention affects the ethics of an action is outlined below. जिस प्रकार से जो इरादा या उसके पीछे जो सोच होती है कि एक्शन के नैतिक होने के ऊपर सवाल निशान करती है, कितने प्रकार के। For a human act to be morally good, the agent or doer must have a good intention.
जो भी व्यक्ति वो एक्ट कर रहा है उसके पीछे जो इरादा है, जो इंटेंशंस है, वो नैतिक होने चाहिए, बड़े अच्छे होने चाहिए इंटेंशंस। ही मस्ट वॉन्ट टू अकम्प्लिश समथिंग डेट इज गुड इन वन वे और अनादर। तो वो किसी भी तरह उस नैतिक कार्य से कुछ किसी भी रास्ते से वो अच्छा उससे कुछ आउटकम है, यही उसको उसकी डिमांड होती है। इंस्टेंस, अ सिविल सर्वेंट शुड हैव द मोटो ऑफ सर्विंग हिज कंट्री and the citizen to join the public administration, not just the intention to get a secure job of power and prestige। जैसे कि एक जन सेवक का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसका उद्देश्य होता है कि वो अपनी कंट्री के लिए सर्व करे, और जो नागरिक है लोक प्रशासन को ज्वाइन करे उसके पीछे उनका इंटेंशन सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिक्योर जॉब मिल जाए और जिसमें बहुत शक्तियाँ हों और बहुत इज्जत मिलती हो, इसलिए नहीं। सिर्फ द मोटिव एन एजेंट हैज कैन चेंज एन एक्ट मोरली गुड बाय नेचर इन टू अ मोरली एविल एक्ट। जो मोटिव कर्ता के पास होता है कि कैसे एक नैतिक का अच्छे कार्य को भी नैतिक बुरे काम में बदल देता है। टेलिंग द ट्रूथ इज अ मोरली गुड एक्शन बाय द ऑब्जेक्ट। अगर हम सच बोल रहे हैं तो उसे एक नैतिक रूप से एक अच्छा एक्शन समझा जाएगा। But to tell the truth about someone with the intention of injuring him turns an action still good by object into a bad one। तो लेकिन हम अगर सच बोल रहे हैं जिससे किसी को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, उसका हार्ट अटैक से मौत हो सकती है उस बात को सुनने के बाद, तो वो एक्शन अच्छा होते हुए भी वो बुरा हो जाता है। Whistle blowing about malpractices, corruption in an administrative department, not in the spirit of good governance but to seek vengeance from a senior or to malign the government turns the morally good act into immoral one। जैसे whistle blowers है जो जो भ्रष्टाचार की कुछ गुप्त जानकारियां सरकार को देते हैं उन्हें हम विसल ब्लोअर्स कहते हैं। तो जो भ्रष्टाचार होता है प्रशासनिक विभागों में, तो अगर वो उसका खुलासा कर रहा है लेकिन उसके पीछे उसका इरादा सुशासन की तरफ ना होकर वहीं पर काम कर रहे किसी जूनियर के द्वारा इंफॉर्मेशन सरकार को दी जा रही है सिर्फ इसलिए कि अपने सीनियर से वो बदला ले सके, किसी अपमान का, किसी लूट में कम परसेंटेज ऑफ मनी मिलने का, या फिर है ना किसी गवर्नमेंट को बदनाम करने का, उस तत्कालीन गवर्नमेंट को बदनाम करने का इरादा हो। तो भले ही वो अच्छा काम कर रहा है विसल ब्लोइंग करके करप्शन को रोक रहा है, लेकिन वो एक तरह से अनैतिक कार्य में बदल जाता है। अ गुड इंटेंशन नो मैटर हाउ गुड डज नॉट मेक समथिंग एसेंशियली इमोरल इनटू समथिंग मोरली गुड। कितना ही अच्छा इरादा हो कार्य को करने से पहले नैतिकता की दृष्टि से किया जा रहा हो लेकिन वो अनैतिक ही कहलाता है। द एंड डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स। किसी भी अंत को उसके उद्देश्य से जस्टिफाई नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अ मदर हु मर्डर्स हर यंग डॉटर आफ्टर शी कम्स टू बिलीव डैट द वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस इज इम्पॉसिबल। अब जैसे कि एक माँ है वो अपने जवान बेटी का की हत्या कर देती है और उसे लगता है कि मतलब जो भी वो सिचुएशन उस वक्त फेस कर रहे हैं, मनी की प्रॉब्लम हो सकती है, फूड की प्रॉब्लम हो सकती है या घर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कि ये जो दुनिया है वो सिर्फ दर्द सहने या पीड़ा सहने के लिए ही बची है और इस हमारी लाइफ में खुशी किसी भी तरीके से नहीं आ सकती, सारे दरवाजे बंद हो गए। तो इस इंटेंशन से वो अपनी बेटी की हत्या कर देती है। तो शी किल्स हर डॉटर इन ऑर्डर टू सेव हर फ्रॉम द टॉर्मेंट ऑफ लिविंग। तो जो कुछ भी टॉर्चर वो सह रही है वो तो उस पर डिपेंडेंट है, यही सब सहना पड़ेगा, वो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगी तो वो ना सहन कर सके वो टॉर्चर, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। तो दिस डज नॉट एब्जॉल्व हर फ्रॉम गिल्ट ऑफ कमिटिंग एन एसेंशियली इमोरल एक्ट ऑफ किलिंग समवन। तो इसमें वो अपराधी होने से बच नहीं सकती क्योंकि उस क्योंकि किसी की हत्या करना ये एक तरह से अनैतिक कार्य ही है। सिमिलरली बॉम्बिंग एंड किलिंग बाय नेशनलिस्ट अगेंस्ट डिस्पोटिक गवर्नमेंट इज स्टिल मर्डर। तो एक निरंकुश सरकार है जिसके खिलाफ जो राष्ट्रवादी जो जनता है या जो लोग हैं वो अगर बम धमाके कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो एक हत्या ही मानी जाएगी, तो ये भी गलत है। वन कैन नॉट यूज़ मर्डर
मोरली एविल बाय नेचर एज अ मीन्स टू एनी एंड। तो किसी भी चीज़ का अंत करना मीन्स हत्या करना नहीं होता है नैतिक रूप से अगर वो बुरा है तो। एन एक्ट डैट हैज़ अ गुड ऑब्जेक्ट कैन बिकम मोर और लेस गुड बिकॉज ऑफ इट्स पर्पस। कोई भी एक्शन जो है वो या तो बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उसके ऊपर उसके पीछे क्या इरादा रहा है। फॉर इंस्टेंस गिविंग मनी फॉर अ चैरिटेबल कॉज इज अ गुड एक्शन इन इट्स सेल्फ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मनी डोनेट कर रहा है चैरिटी में तो इसे हम एक अच्छा कार्य मान सकते हैं, अच्छा एक्शन मान सकते हैं। बट गिविंग अ लार्ज अमाउंट डैट वन कैन अफोर्ड इंक्रीज द गुडनेस ऑफ द एक्शन। तो और उसमें अगर हम ज़्यादा अमाउंट देंगे तो उसकी जो उस कार्य की जो अच्छाई है वो बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। हाउएवर इफ अ मिलेनियर डोनेट्स टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट टू कंसील हिज ब्लैक मनी इट डिक्रीजेज द गुडनेस ऑफ द एक्ट इवन दो इंसिडेंटली द पुअर आर। अब एक बहुत अरबपति इंसान है वो अपने काले पैसे को सफ़ेद करने के लिए उस चैरिटी ट्रस्ट में डोनेट कर रहा है तो भले ही वो इनडायरेक्टली वो गरीबों की मदद कर रहा है लेकिन वो असल लेकिन इससे क्या होगा जो उस कार्य की जो अच्छाई है वो कम हो जाएगी। एन एक्शन विच इज़ इनहेरेंटली रॉन्ग मे बिकम अ ग्रेटर और लेजर रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द मोरल एजेंट। तो कोई भी जो एक्शन है वो समझ लीजिए उसकी प्रकृति से वो गलत है और हो सकता है वो ज़्यादा गलत है या थोड़ा कम गलत है उसके पीछे भी जो कर्ता का जो पीछे जो इरादा है वो नैतिक कर्ता पर डिपेंड करता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस किलिंग अ ह्यूमन इज मोरल एविल। किसी भी मानव की हत्या करना एक नैतिक रूप से एक बुरी चीज़ है। However, killing a criminal who is potentially threat to many lives is less immoral. लेकिन अगर हम किसी अपराधी को ऐसे अपराधी को की हत्या कर रहे हैं जो कई जिंदगियों के लिए खतरा है तो वो जो है कुछ कम अनैतिक हो जाएगा। However, if an officer kills the same criminal in an encounter to get a promotion, it becomes a greater evil. अब वही क्या होता है कोई पुलिस ऑफिसर है वो अपराधी को इसलिए एनकाउंटर कर रहा है उसकी हत्या कर रहा है कि उसे प्रमोशन मेडल मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बुराई हो जाएगी, बुरा काम हो जाएगा। मैनी सच एक्टिविटीज़ आर सेड टू बी इनडिफरेंट मोरली इन देमसेल्फ। सारी जो गतिविधियाँ हैं जिन न्यूट्रल नैतिकता जिसे बोल सकते हैं निष्पक्ष नैतिकता होती है बट दे रिसीव देयर मोरल क्वालिटी फ्रॉम द इंटेंशन बिहाइंड लेकिन उन्हें जो नैतिक गुण होता है वो उसके इरादे से ही पता चलता है, उसके पीछे के इरादे से ही पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग एन अल्कोहलिक ड्रिंक इज नॉट सिनफुल। अगर आप शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए तो उसे हम कोई अपराध की श्रेणी में नहीं डाल सकते बट ड्रिंकिंग इन ऑर्डर टू गेट ड्रंक इज। लेकिन अगर आप होशोहवास खो के नशे में धुत हो के अगर पीने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसके बाद में गाड़ी चला रहे हैं एक्सीडेंट कर रहे हैं लोगों को गाली दे रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं तो वो हम उसे तो अपराध की गलत ही मानेंगे। सिमिलरली लर्निंग फाइटिंग स्किल लाइक कराटे इज़ अ न्यूट्रल एक्ट। अगर कोई कराटे सीख रहा है कुंफू सीख रहा है जूडो सीख रहा है तो उसे हम निष्पक्ष एक्ट कह सकते हैं, निष्पक्ष एक्शन कह सकते हैं क्योंकि वो उससे किसी वो सिर्फ सीख रहा है वो किसी को उसको मार नहीं रहा है। बट इफ़ द इंटेंशन इज टू थ्रेटन अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रेंथ और टेक वेजेंस फ्रॉम समवन इट बिकम्स एन इमोरल एक्ट। लेकिन वो कराटे इसलिए सीख रहा है कि किसी को धमका सके अपना बाहुबल दिखा सके लोगों को परेशान कर सके किसी से बदला ले सके तो ये जो है एक अनैतिक कार्य में आता है। सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एक्शन। अब क्या क्या सिचुएशन या कंडीशन होती है उस एक्शन के लिए। नो एक्शन हाउएवर इज परफॉर्म्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट। तो कोई भी जो एक्शन है वो कोई काल्पनिक कल्पना करके परफॉर्म नहीं करता है। एवरी ह्यूमन एक्ट इन द कॉन्क्रीट ऑर्डर इज डन अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज। एक कोई ना कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसमें उस मानव को वो कार्य करना पड़ता है उस सर्कमस्टेंसेज में देयर फोर अफेक्ट द मॉरलिटी ऑफ एक्शन। तो इसमें क्या होता है हो सकता है उस कार्य की जो नैतिकता है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए उसका प्रभाव पड़ता है। एड समथिंग टू द मॉरल क्वालिटी।
तो उसमें जो नैतिक गुण है ऐड हो सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस ऑफ ह्यूमन एक्शंस इंक्लूड सच थिंग एज द एक्ट बीइंग डन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ पर्टिकुलर प्लेस बाय अ पर्टिकुलर एजेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। मानव के द्वारा जब कार्रवाई होती है तो जो उस वक्त की जो सिचुएशन होती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पर होती है, एक समय पर होती है, एक स्पेसिफिक उसका एक प्लेस होता है कि भाई यहाँ पे ये एक्शन होगा और एक पर्टिकुलर आदमी ये एक्शन करेगा वो भी डिफरेंट और एक स्पेसिफिक तरीके से। हाउ द डिफरिंग सर्कमस्टेंसेज चेंजेस द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ द एक्शन कैन बी आउटलाइन बिलो। तो जो अलग अलग प्रकार की कंडीशंस होती है, अलग अलग सिचुएशंस होती है जिसमें एक्शन होता है वो अच्छा है या बुरा है हम उससे अंडरस्टूड कर सकते हैं। समटाइम्स सर्कमस्टेंसेज अफेक्ट द मोरलिटी ऑफ द एक्शन ओनली इन डिग्री। कभी कभी क्या होता है जो सिचुएशन होती है वही हमारे एक्शन है उसकी नैतिकता पर प्रभाव डालती है। कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग और डिमिशिंग द मोरल गुडनेस और एविल ऑफ द ह्यूमन एक्ट। उसमें नैतिक जो अच्छाई है या बुराई है उस मानवीय कार्य में उसको बढ़ाना या कम करने में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टीलिंग इज बैड बाय ऑब्जेक्ट। अब चोरी करना तो का जो काम है वो तो गलत ही माना जाएगा। स्टीलिंग अ रेयर ऑब्जेक्ट और स्टीलिंग फ्रॉम अ डेस्ट्यूट पुअर इंक्रीज द मैलिस ऑफ द एक्शन। तो अगर आप उस वो चीज़ कोई एकदम दुनिया में बहुत कम है या फिर किसी गरीब को आप लूट रहे हो तो वो उस जो बुरा एक्शन है उसकी और उसको गिरा देता है, नीच कार्य में उसको तब्दील कर देता है। ऑन द अदर हैंड इफ अ रॉबर एक्ट्स एज अ लाइक रॉबिन हुड बाय स्टीलिंग फ्रॉम द रिच टू हेल्प पुअर his robberies become less immoral। लेकिन कोई ऐसा रॉबिन हुड जैसा एक शहंशाह टाइप व्यक्ति है जो अमीरों को लूट कर गरीबों दे रहा है पैसे रोटी या जो भी है, तो उसे हम थोड़ा कम अनैतिक बोल सकते हैं। सम सर्कमस्टेंसेज इम्पार्ट अ न्यू टाइप ऑफ गुडनेस और बैडनेस टू एन एक्शन बाय द इफेक्ट ऑफ व्हेन एंड वेयर इट टेक्स प्लेस। कुछ जो ऐसी कंडीशंस है जो जहाँ पर नए प्रकार के अच्छाई या बुराई जो होती है एक्शंस में उनका प्रभाव वो कहाँ पर हो रही है और कब हो रही है इस पर डिपेंड करता है। कब हो रहा है इसका एग्जांपल देखिए, जो वेदर इट इज़ डन ड्यूरिंग अ वॉर और पीस, एक किसी शांति के समय या फिर एक युद्ध के समय ऐसी चीज़ हो सकती है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस देयर इज़ एन इंक्रीज इन द गिल्ट ऑफ एन इंटेलिजेंस ऑफिसर हु व्हेन कॉट बाय द एनिमी कंट्री एट द टाइम ऑफ वॉर कम टू थ्रेट ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्लोजेस हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट सीवियरली अफेक्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है किसी देश का, जैसे कि यूक्रेन का समझ लीजिए, उसका अपराध बढ़ जाता है, वो अपराधी बन जाता है जब वो किसी एनिमी कंट्री जैसे रशिया है उसके द्वारा अगर उसे पकड़ लिया गया है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उससे कहा जा रहा है कि तुम अपने यूक्रेन देश के हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हमें दे दो, जिससे क्या होगा यूक्रेन की जो नेशनल सिक्योरिटी से थ्रेट हो जाएगा। वेयर मतलब कहाँ हो रहा है। तो सिमिलरली वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस कैन इफेक्ट इज मोरलिटी, तो कहाँ पर हो रहा है उससे भी उस एक्शन की जो है नैतिकता पर प्रभाव पड़ सकता है। फॉर इंस्टेंस मर्डर इन चर्च कैथेड्रल एड्स एन एडिशनल मोरल एविल टू मर्डर इटसेल्फ एज इट इन्वॉल्व्स द प्रोफेनेशन ऑफ अ कॉन्सिक्रेटेड प्लेस ऑफ वर्शिप एंड हेंस द एडिशनल इविल ऑफ सैक्रिलेज। जैसे कि गिरजाघर कैथेड्रल में एक हत्या हो जाती है तो उससे एक अतिरिक्त नैतिक बुराई बढ़ती है इसमें, क्योंकि इसमें एक पवित्र, क्योंकि एक पवित्र पूजा स्थान है और उसके अपवित्रकरण हो जाता है तो इसलिए अपवित्रकरण की अतिरिक्त बुराई इसमें शामिल हो जाती है। सर्कमस्टेंसेस कैन ऑल्सो डिमिनिश और लेसन द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो कर्ता की जिम्मेदारियों को कुछ कम या ख़त्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस वुमन हु किल्स द पर्सन हु अटैक्स हर चेस्टिटी इज एब्जॉल्व फ्रॉम गिल्ट ऑफ किलिंग समवन। तो जैसे कोई महिला है और वो एक पुरुष की हत्या कर देती है क्योंकि वो उसकी अस्मिता को लूट रहा था या बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसके अपने आप को अपने अस्मिता को बचाने के लिए वो उसकी हत्या कर देती है, तो वो उसके अपराधीकरण से बच जाती है, वो अपराध होने की श्रेणी में नहीं आती है। Thus, since all human actions occur at a certain time and at a certain place, the circumstances must always be considered in evaluating the moral quality of any human act. जो सारे जो मानवीय एक्शन है वो एक
पर्टिकुलर समय और उसमें स्थान का महत्व होता है, और यही जो कंडीशन है, जो उस वक्त का जो इन्वायरमेंट होता है उस एक्शन का, ये हमें मूल्यांकन करने में मदद करता है नैतिक उसके गुणों की उस ह्यूमन एक्ट में। इन वाइल इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट मोरली गुड एक्ट रिक्वायर्स द गुडनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंड एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस टुगेदर। इसपे हम समझा जा सकता है कि एक नैतिक रूप से अच्छे कार्य को करने के लिए उसमें जो हमारा उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए, और उसका जो एक्शन का उससे जो परिणाम होने वाला है वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो वहाँ उस वक्त की कंडीशन है वो भी ठीक ठाक होनी चाहिए जो उसकी नैतिकता को बढ़ाए। इफ एनी वन ऑफ द थ्री इज एविल देन द ह्यूमन एक्ट इज क्वेश्चन इज एविल एंड शुड बी अवॉइडेड। इन तीनों में से मीन्स जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका एंड रिजल्ट होगा, और जो सर्कमस्टेंसेस उसके, इसमें से कुछ भी अगर बुरा है तो फिर उस एक्शन पर बुरा बुरे होने के सवाल उठ सकते हैं, और उसे नहीं करना चाहिए, उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। एजेंट्स डैट इन्फ्लुएंस डिटरमाइंस द एथिकलिटी ऑफ ह्यूमन एक्शंस। तो जो कुछ ऐसे कर्ता होते हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं या उसको निर्धारित करते हैं ह्यूमन एक्शन की नैतिकता की, जैसे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जो लक्षण होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और कल्चर और कंट्री ऑफ द इंडिविजुअल मीन्स उस कंट्री का कल्चर कैसा है, उस समाज के कुछ नियम होंगे, कुछ एथिकल और मोरल नियम होंगे, तो वो मैटर करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री कोई भी जैसे कोई व्यवसायिक है या फिर कोई संस्था है, तो उसके हिसाब से भी वो उसकी नैतिकता हम जांच सकते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, क्या क्या परिणाम होते हैं ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स के। द कॉन्सिक्वेंसेज आर द इफेक्ट कॉज बाय एन एक्शन। जो भी कोई परिणाम मिलते हैं वो कार्यवाही से ही प्रभावित होते हैं। मेनी ऑफ अवर एक्शंस डिसीजंस एंड चॉइसेस ऑफ एवरी डे आर मेड विथ एन आई टू द कॉन्सिक्वेंसेज। जो भी हम डेली लाइफ में अपने कुछ हमारी इच्छाएं होती है, हम डिसीजन लेते हैं, चॉइसेस होती है, तो हमें उसका मतलब कुछ पता होता है, परिणाम पता होते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा इससे हो सकता है इतना। ह्यूमन बींग्स बाय नेचर टेन टू बी कॉन्सिक्वेंसेज ओरिएंटेड। तो हम जो मानव जाति है वो स्वभाव से कहती है कि उसे इसका मतलब परिणाम थोड़ा पता रहता है कि इससे ये कार्य करने से ये होने वाला है। दैट मीन्स वी हैव अ टेंडेंसी टू सीक इंटेंडेड रिजल्ट एंड क्वालिटी ऑफ दिस रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस डिपेंड ऑन हाउ मच गुडनेस दे कंटेन। मानव जाति की टेंडेंसी कैसी होती है कि हमें जो उससे रिजल्ट या आउटकम आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है उसमें और जो उस पे जो गुण होगा उस परिणाम का, वो कितनी अच्छाई उस कार्य में थी इस पे ही डिपेंड करेगा उसका आउटकम। एन एक्शन इज जस्ट टू बी गुड और बैड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आउटकम। जो एक्शन होगा वो जो अगर बुरा है अच्छा है ये न्याय करने के लिए उसके आउटकम रिजल्ट क्या आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा। इफ अदर पीपल सफर इट इज रॉन्ग। तो अगर उस कार्य के द्वारा लोगों को परेशानी हो रही है तो वो तो कार्य गलत हो गया। तो इफ पीपल बेनिफिट्स इट इज़ राइट। अगर उनसे बाकी लोगों को फायदा हो रहा है उस कार्य से तो फिर अच्छा है ये कार्य। तो कंसिक्वेंसेज देन आर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन आवर एनालिसिस ऑफ एथिकल कंडक्ट। तो कितना भी कुछ हो, जो उसका रिजल्ट है, जो आउटकम उस एक्शन से आएगा, वही एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक फैक्टर होगा जिससे हम सही तरीके से जांच कर पाएंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ नैतिकता के मानदंडों पर, मापदंडों पर। द केसेस वेयर द कंसिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन आर एट्रीट ड्यूटेबल टू द डोर हु इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इफेक्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग कंडीशन। तो जो कुछ केसेस है जिनमें जो आउटकम है उन कार्यों के द्वारा, वो डायरेक्ट जो करता होता है वही अकाउंटेबल होता है, और उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उससे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि इफ द डोर होल्ड्स नोटिस इवन इफ वेगली और नो हेड वॉट द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर चॉइस और एक्शन विल बी। अगर जो करता है वो अस्पष्ट है कि उससे कि वो एक्शन करे या ना करे, कि उससे उससे उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर वो एक पर्टिकुलर इच्छा रखता है या उस एक्शन को करता है, तो
जैसे कि ही शी इज़ प्रिज्यूम टू विल्ड द इफेक्ट, अगर मैंने ये काम किया या इस या दूसरी तरीके से किया तो उसका ये प्रभाव होने वाला है। दो प्रभाव हो सकते हैं उससे कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अ बैड इफेक्ट, अगर जैसे हम बुरे इफेक्ट की बात करें तो इफ़ हंटर सीज एन ऑब्जेक्ट, एक शिकारी है जो अपने शिकार को देख रहा है तो बट इज अनश्योर वेदर इट इज़ अ मैन और अ डियर, वो एक आदमी एक मनुष्य है या फिर एक हिरन है या जानवर है, उसको वो डिफर नहीं कर पा रहा है। तो द हंटर एंटिसिपेट्स वेगुली टू व्हाट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फायरिंग शॉट मे बी किलिंग ऑफ डियर और किलिंग ऑफ मैन। तो जो शिकारी है वो कंफ्यूज है, अस्पष्ट है कि वो शिकार है कौन सा। तो उसके जो रिजल्ट आएंगे वो तो दो ही आएंगे, या तो डियर मरेगा या फिर मनुष्य मरेगा। इफ द हंटर चूजेस टू शूट एनी हाउ ही हैज विल्ड द इफेक्ट वेदर द किलिंग ऑफ अ डियर और किलिंग ऑफ अ मैन। लेकिन अगर जो शिकारी है वो अस्पष्ट है कि वो हिरन है मनुष्य, तो और तो भी वो अगर शूट कर रहा है तो वो जानता है कि इससे क्या प्रभाव होने वाला है, कि आदमी मरेगा, अगर आदमी होगा तो आदमी मरना ही है और अगर हिरन होगा तो भी मरना ही है। जैसे इफ द एक्टर डज नॉट परफॉर्म द एक्ट बट कॉजेज अनादर वन टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ हेल्प एनकरेजमेंट और परसुएशन द फर्स्ट पर्सन इज स्टिल मोरली रिस्पॉन्सिबल। कोई जो एक्टर है फिल्मों के एक्टर, तो वो अगर किसी उसको एक एक्ट दिया है करने के लिए तो वो अगर उसे परफॉर्म नहीं कर रहा, समझ लीजिए कि वो एक थप्पड़ वाला सीन है, मतलब उसको एक चाटा मार रहा है, तो वो बोल रहा मैं नहीं करूँगा और उसको नहीं करेगा तो किसी और को वो एक्ट करना पड़ेगा, किसी किसी मदद हो उसमें प्रोत्साहन हो सकता है। वो पहला व्यक्ति जो पहला एक्टर है जो लीड रोल वाला है जो एक्शन जिसने मना कर दिया वही नैतिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो दूसरे पर दूसरे को करना पड़ रहा है वो एक्ट जो उसे करना था। फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट टू द डिग्री डेट ही और शी फोर्स दोज कॉन्सिक्वेंस, तो एक्शन से जो आउटकम आने वाला है वो जिसने रिफ्यूज़ कर दिया उसको पता है इसका रिजल्ट की क्या आने वाला है। फॉर इंस्टेंस इफ अ पॉलिटिशियन गिव अ हेड स्पीच डेट इंसाइट्स कम्युनल वायलेंस इन अ सेंसिटिव एरिया ही विल बी कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ द कमीशन ऑफ अ रॉन्ग एक्ट। नेता है और वो अगर एक गलत बयान एक हेट्रेड फैलाने वाला दुर्भावना फैलाने वाला एक मैसेज पब्लिकली दे देता है जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं वो एरिया उससे प्रभावित हो जाता है तो अपराधी माना ही जाएगा क्योंकि उसने वो गलत काम किया है। इफ़ वन रिमेन्स साइलेंट और डज नॉट टेक एनी एक्शन, जैसे कि अगर आप उस एक्शन के समय आपने कुछ भी नहीं किया और आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया जिससे वो किसी की हेल्प हो सके या प्रभावित हो सके। इफ़ अ पर्सन विटनेस अ रोड एक्सीडेंट, अगर आप जैसे कोई रोड एक्सीडेंट देखते हैं किसी की दुर्घटना हो जाती है एंड रेफ्रेन फ्रॉम हेल्पिंग द विक्टिम इन क्रिटिकल कंडीशन, और आप उसको बचाते नहीं और आप वहाँ से निकल जाते हैं, तो ही फेल्स टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ अ गुड समेरिटन, तो मुसीबत की घड़ी में आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो देयर फोर इज गिल्ट ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशन एंड द बैड कॉन्सिक्वेंसेज डेथ ऑफ द विक्टिम डेट फॉलोज। आपके वो कार्य नहीं करने की अनुपस्थिति में उसका एक बुरा इम्पैक्ट, उसका बुरा आउटकम ये हुआ कि वो व्यक्ति तड़प तड़प कर मर गया। दस whatever increases lessens or destroys the liberty and knowledge that are essential for a moral act also increases lessen or destroys the responsibility of the actor। जो भी स्वतंत्रता और ज्ञान को बढ़ाता है कम करता है या डिस्ट्रॉय करता है वही बहुत महत्वपूर्ण होता है नैतिक कार्य में जिम्मेदारी को बढ़ाने कम करने और डिस्ट्रॉय करने में। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट इसी कॉन्सिक्वेंस के अंदर आता है, सम एक्शंस हैव टू इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज गुड और बैड, तो किसी भी कार्य को करने का तो दो ही आउटकम हो सकते हैं, एक तो एक बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है। हाउ डज समवन डिसाइड द मोरालिटी ऑफ सच एक्शन, हम कैसे उसकी नैतिकता को जांच कर सकते हैं, कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे न्याय कर सकते हैं कि ये गलत है बुरा। एथिसिस्ट प्रोवाइड अ फ्यू जनरल प्रिंसिपल्स टू हेल्प डिसाइड द मोरालिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ डबल इफेक्ट दे आर। कुछ जो जो नीति शास्त्री है वो कुछ सामान्य सिद्धांत बताते हैं जिनसे ये निर्णय लिया जा सकता है कि किसी भी नैतिक कार्य में दोहरा प्रभाव देखने मिलता है। जैसे कि द एक्शन डैट प्रोड्यूसेस द टू इफेक्ट्स मस्ट बी आइदर गुड और इनडिफरेंट,
दैट इज़ नॉट इंट्रेंसिकली रॉन्ग। तो कोई भी जो कार्य है उसके तो दो ही परिणाम हो सकते हैं, एक तो वो अच्छा हो सकता है या फिर वो हो सकता है निष्पक्ष भी हो, तो डैट इज़ न्यूट्रल भी हो तो डैट इज़ नॉट इंट्रेंसिकली रॉन्ग, तो वो पूरी तरह से आंतरिक रूप से वो गलत नहीं होगा। द गुड इफेक्ट मस्ट बी इमीजिएट डैट इज़ नॉट ऑब्टेन थ्रू द एविल इफेक्ट। जो जल्द ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है तो किसी बुरे प्रभाव से नहीं आना चाहिए। जो अच्छा प्रभाव, वो किसी भी कार्य से जो अच्छा प्रभाव है वो जल्द से जल्द आना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो किसी गलत प्रभाव से आ रहा हो। द इंटेंशन और पर्पस मस्ट बी गुड। तो कोई भी जो इरादा है, जो भी कोई कारण है उस कार्य को करने से पहले, वो जरूरी, सीधी सी बात है, अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ प्रोपोर्शनेटली गुड रीजन और कॉज ऑफ फॉर परफॉर्मिंग द एक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। तो अगर आपको अच्छा ही कार्य करना है, आप नैतिक रूप से अच्छा ही कार्य करना चाहते हैं, तो उसके पीछे एक एक अच्छा रीज़न होना चाहिए जिससे आपको और आपके समाज को फायदा हो। इन अदर वर्ड्स, इफ डूइंग समथिंग मोरली गुड हैज़ अ मोरली बैड साइड इफेक्ट। नैतिक रूप से अच्छा कर रहे हैं तो उसके हो सकता है कुछ नैतिक रूप से ही कुछ गलत साइड इफेक्ट भी हो। इट इज़ एथिकली परमिटेड टू बी डन प्रोवाइडेड दैट द बैड साइड इफेक्ट वॉज नॉट इंटेंडेड। लेकिन ऐसा नैतिक रूप से अलाउ किया जाता है कि मीन समझा जाता है कि जो बैड साइड इफेक्ट उस नैतिक कार्य से होंगे वो एक्सपेक्टेड नहीं होंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं है। दिस इज़ ट्रू इवन इफ यू फोर्स आर डेट द बैड इफेक्ट वुड प्रोबेबली हैपन। ये सच है। अगर आप इसको, अगर आप दूरदर्शिता के रूप से भी देखें तो हो सकता है कि उससे बुरा प्रभाव पड़े, जरूरी नहीं है कि बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। फॉर इंस्टेंस, इफ अ डॉक्टर गिव्स ड्रग्स टू अ पेशेंट टू रिलीव डिस्ट्रेसिंग सिम्टम इवन दो ही नोज डूइंग दिस विल वीकन पेशेंट्स इम्यूनिटी। जैसे कि अगर डॉक्टर है वो कोई ड्रग्स या कोई दवाई दे रहा है अपने मरीज को ताकि उसका पेन, उसका दर्द कम हो जाए, और उसे पता है कि इसके कारण क्या होगा, उस दवाई के इफेक्ट के कारण उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम होगी, तो दस में शॉर्ट, और हो सकता है उसकी लाइफ भी कुछ कम हो जाए। तो इज मोरली एब्सॉल्व फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बैड कॉन्सिक्वेंस। तो वो एक नैतिक रूप से जिम्मेदार है उसकी उसके जो अगर कुछ गलत आउटकम आएगा उसके दवाई के कारण, तो उसके जिम्मेदार है। दिस इज बिकॉज द डॉक्टर इज नॉट एमिंग डायरेक्टली एट किलिंग द पेशेंट। तो डॉक्टर का जो उद्देश्य है वो कोई अपने मरीज को खत्म करना नहीं है। द बैड रिजल्ट ऑफ द पेशेंट डेथ इज अ साइड इफेक्ट ऑफ द गुड रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग द पेशेंट पेन। तो जो बुरा, उससे जो, वैसे तो वो अच्छा ही काम कर रहा है उसका पेन कम करके ड्रग देकर, लेकिन उससे जो बुरा जो आउटकम आएगा वो बस ये होगा कि उसे पेशेंट की जो मृत्यु होने वाली होगी जो भविष्य में कई सालों बाद, तो वही एक छोटा साइड इफेक्ट होगा जिससे, लेकिन फिलहाल तो जो है उसको अच्छा उससे आउटकम मिलेगा। देयर आर सेवरल अदर एक्शंस डैट पोटेंशियली हैव डबल इफेक्ट। तो और भी कई सारे जो कार्रवाई है जिसमें कि हम डबल इफेक्ट्स को देख सकते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मिलिट्री, फाइटर पायलट्स, टेक्टाइल बॉम्बर्स एनकाउंटर सिचुएशन ऑफ डबल इफेक्ट इन टाइम्स ऑफ वॉर। पायलट्स होते हैं जो बॉम्बर्स प्लेन लेकर जाते हैं एनिमी कंट्री में, तो उनको अक्सर ये सिचुएशन में, वो डबल इफेक्ट की सिचुएशन में पड़ते हैं युद्ध की स्थिति में। तो द टैक्टिकल बॉम्बर्स एम्स एट मिलिट्री टारगेट्स वाइल फोर्सिंग डैट बॉम्बिंग सच टारगेट्स विल ऑल्सो कॉज सिविलियन डेथ। तो जो जो पायलट्स होते हैं बॉम्बर के, तो उनको पता होता है कि हमें तो मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक करना है, लेकिन उन्हें पहले से ये भी पता होता है कि जब हम उस पर अटैक करेंगे तो कुछ सिविलियंस भी मरेंगे उसमें। तो वेन हीज बॉम्ब्स किल सिविलियन, दिस इज अ फोर्सिन बट इंटेंडेड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन हैंस परमिसिबल। तो वो तो सिविलियंस को डायरेक्टली मारना नहीं चाहता है, लेकिन उसे तो मिलिट्री ठिकाने उनके ख़त्म करने ही हैं, तो उसको पता होता है कि इसमें सिविलियंस की मौत होगी। तो ये उसका एक छोटा मीन्स कम, अगर हम कह सकते हैं, एक अनैतिक आउटकम आएगा उससे, लेकिन ये जो है लीगली अलाउेबल होगा, इसे एथिकली अलाउ माना जाएगा।